मैं मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है, कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार हैं और मैं मानता हूँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है उसमें दृढ़ता से लगे हैं, लगेंगे बहुत जल्दी। जो कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों की लागू की है, जो सपोर्ट प्राइस किसानों की भावना उनके अधिकार क्षेत्र में गारंटी के रूप में दी है,